धनबाद में अपराधियों ने एक बार फिर से अपने बुलंद हौसलों का परिचय दिया है। सरायढेला थाना अंतर्गत बाबू वीर कुंवर सिंह कॉलोनी के पास एक जमीन कारोबारी समीर मंडल को बदमाशों ने गोली मार दी। घटना के बाद गंभीर अवस्था में समीर को पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। घटना की सूचना पाकर धनबाद के डीएसपी विधि व्यवस्था मुकेश कुमार और सरायढेला थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल से पुलिस ने 4 खोखे बरामद किए हैं। पुलिस उसकी जांच भी कर रही है। सरायढेला थाना में वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में गोली लगने की सूचना मिली है। जिसको गोली लगी है उसको हॉस्पिटल लाया गया है। उसके परिजनों को बुलाकर पूछताछ करके जो लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। FIR दर्ज करके लगातार कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है सर? क्या अभी तो जो पता चल रहा है समीर मंडल है। अब आप हम लोग और पूछताछ करेंगे, उससे पता चलेगा कि उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या काम करता है। अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी और भी मिल सकता है। अभी तो 4 बरामद और अभी चेक करेंगे तो PO पर फिर से देखने में पता चलेगा उस पर क्या क्या। डॉक्टर ने स्थिति कैसा बताया? चलो, कुछ बरामद हुआ है क्या? अभी कुछ नहीं। जमीन कारोबारी समीर मंडल मूल रूप से जामतारा जिले का रहने वाला था और एक महीना पहले ही धनबाद आया हुआ था। धनबाद में ही रहकर वो जमीन का कारोबार कर रहा था। DSP मुकेश कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। 4 खोखे बरामद हुए हैं। अपराधी कौन थे और किन कारणों से वारदात को अंजाम दिया है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपराधी जल्द ही पकड़े जाएंगे। DSP भले ही जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी की बात कर रहे हों, लेकिन जिस तरह से कारोबारी की हत्या हुई है उससे साफ है कि बदमाशों को कानून का कोई डर नहीं है। न्यूज़ डेस्क।